नमस्ते दोस्तों, आज मैं बैगन का कलौंजी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैं 6 बैगन धो के रखी हूँ अच्छा से पोंछ के, और ये रहा मसाला इसका। ये है 1 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच मेथी दाना और थोड़ा ब्लैक पेपर, धनिया। कलौंजी बनाना है तो कलौंजी तो डलेगा ही, कलौंजी, अजवाइन 1 बड़ा चम्मच, सौंफ और सरसों थोड़ा सा, और ये है देगी मिर्च, ये है टमाटर, हरी मिर्च, 2 छोटा प्याज, अदरक और लहसुन। अब मैं मसाला तैयार करती हूँ। सबसे पहले मैं मेथी डालती हूँ और जीरा और धनिया, ये चीज पहले थोड़ा भून लूंगी तभी। 1-2 मिनट के लिए हल्के गैस में मैं भून लूंगी। मेथी कम ही देना है, 1/4 चम्मच, तो फिर कलौंजी तीखा हो जाएगा और खाने में मजा नहीं आएगा। अब मैं सौंफ डालती हूँ, देखिए फूटने लगा है, आवाज भी होने लगा हल्का। अजवाइन, कलौंजी और ब्लैक पेपर। देखिए भून गया है, खुशबू भी आ रहा है और कलर भी चेंज हो गया, आवाज भी हो रहा है, ज्यादा जलने से फिर तीखा हो जाएगा। इस सरसों में लास्ट में डालती हूँ, इसको उतना भूनना नहीं है, बस हल्का सा गर्म करना है। अब ये हो गया, मैं इसे निकालती हूँ। मसाला को मैं पीसती हूँ सूखा, ये मसाला मैं तैयार कर ली हूँ, मिक्सी में दरदरा पीसी हूँ। खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है। फिर प्याज दरदरा, इसको भी पीसना है, मोट महीन नहीं करना है, थोड़ा दरदरा रहेगा तो फिर अच्छा लगेगा खाने में। ये लहसुन है और टमाटर तो बैगन में पड़ना ही चाहिए, तभी मजा आता है। 2 टमाटर मैंने छोटा लिया था, मीडियम साइज का। ये 4-5 हरी मिर्च, बस मैं पीस के आती हूँ। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन, अदरक मैंने दरदरा पीस लिया है, ये सूखा मसाला है। और ये रहा बैगन, बैगन भी धो के मैंने करके रखा है, और इसका हल्का छिलका निकालना है बस ऊपर का। और चीरा लगा के देख लेंगे कि बैगन कैसा, थोड़ा नीचे छोड़ के और थोड़ा ऊपर छोड़ के। देखिए बैगन एकदम सफेद और अच्छा है, देखिए इसी तरह सारे बैगन को मैं कर लेती हूँ, नीचे से थोड़ा छोड़ के, थोड़ा ऊपर से छोड़ के। देखिए बैगन देख लेना है, देखिए सारा बैगन को मैं चीरा लगा के चेक कर ली हूँ, सारा ठीक है, किसी में सड़ा हुआ नहीं है और ताजा और खिंचा मुलायम बैगन है। अब मैं मसाला तैयार कर रही हूँ, उसके लिए मैंने थोड़ा तेल लिया है और थोड़ा कलौंजी का ही फोरन दूंगी, क्या कलौंजी बना रही हूँ तो कलौंजी की मात्रा इसमें टेस्ट आना चाहिए। एक चुटकी हींग, दरदरा ही पीसना है, देखिए दरदरा पीसे सारा खड़ा है, लहसुन प्याज अदरक मिर्ची सब। एक चम्मच हल्दी पाउडर देते हैं, और तो मसाला तो भुना हुआ है इसलिए बाद में डालेंगे। और 1 चम्मच
मसाला बैगन के हिसाब से नमक, ज्यादा नमक अच्छा नहीं। इसे मैं अच्छी तरह से भून लूंगी। देखिए मसाला भून गया है और तेल भी छोड़ रहा है। मसाला गरगरा टमाटर लहसुन प्याज सब भूनते कम भी हो गया है और तेल भी छोड़ दिया है। एक मिनट और भूनूंगी तो सूखा ड्राई मसाला जो भूना हुआ है मसाला एकदम अच्छी तरह से भून गया है। अब मैं सूखा मसाला डालती हूँ। जो मसाला मैं भूंज के तैयार की हूँ और ये देगी मिर्च है, इसी में एकदम मीडियम आंच करके इसको मैं भूंजती हूँ। अगर धनिया पत्ता डालना चाहते हैं तो इसमें काट के इसी चैन धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं स्वाद के लिए। अच्छा बन गया। ज्यादा नहीं भूनना है, कई भूंजा हुआ ही मसाला है। अब इसे बंद कर देती हूँ और ठंडा होने देती हूँ, तो मसाला भरूंगी और दिखाऊंगी। अब मैं बैगन में मसाला भरती हूँ इस तरीका से, इसे दबा के। इसको भरवा बैगन भी बहुत लोग बोलते हैं और बहुत लोग बोलते हैं इसको कलौंजी। ज्यादा लोग तो कलौंजी ही बोलते हैं, भरवा बैगन बहुत कम लोग ही बोलते हैं, मगर ये भर रहा है तो भरवा बैगन भी हो गया। इसी तरह मैं सारा बैगन भर लेती हूँ। फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए मैं अच्छी तरह से मसाला सबको भर दी हूँ, पूरा अच्छी तरह से भर के अब मैं इसको तलती हूँ। थोड़ा तेल डाल दी हूँ, तेल गर्म हो जाएगा फिर गैस कम कर दूंगी मैं। देखिए तेल गर्म हो गया, अब मैं गैस को कम कर दी हूँ और मीठा आंच में धीरे धीरे चलाएगा। मसाले वाला भाग को ना बाद में चलेगा, पहले मैं तीन ही डालती हूँ। पहले तीन चलाएगा उसके बाद बर्तन छूटा है और इसे ढक देती हूँ और इसको धीरे से पलट पलट के ऐसे कर सकते हैं। कर लूंगी आराम आराम से पकेगा और ढक के बनाना है। ढक के बनाने से जल्दी बैगन बन जाएगा। देखिए तीन बैगन तल चुका है पर मसाला जो है ना निकलने लगता है, इसलिए मैंने इसको सूता में लपेट दिया है ताकि मसाला बरकरार रहे अंदर। कहे मसाला पर ही तो जान है, ये बैगन तुरंत गल जाता है। अब ये तीनों मैं देखिए बांध के मैं इसे बनाती हूँ तो बांधती ही हूँ, इस बार मिस कर के इस तरह से इस तरह तीनों को डाल देती हूँ। उसके बाद दिखाती हूँ। देखिए सूते से बांध के जब मैं बना रही हूँ तो कितना अच्छा से बन रहा है और कुछ भी नहीं मसाला निकल रहा है ना कुछ भी, तला भी रहा है अच्छा से। इसी तरह से आप लोग करिएगा बांध के। जिस तरह से चलना है मीठा एकदम मीठा आंच में धीरे धीरे चलना है, डक डक के चलिएगा तो जल्दी चला जाएगा। देखिए हो गया है सारा बैगन गल गया है।
बैंगन गला हुआ है, बांध के बनाने से बैंगन अच्छे तरीका से गल गया है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। देखिए बैंगन कितना अच्छा से तल गया है। इसी तरह से आप लोग बनाइए कलौंजी बैंगन का, भरवा बैंगन भी बोलते हैं, कलौंजी भी बोलते हैं, ज्यादा कलौंजी ही बोलते हैं। इसको बनाइए और खाइए। लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर कीजिए और बताते रहिए कैसा बना है। इसी तरह से मैं तरह तरह के डिश बना के दिखाते रहूंगी।